स्वागत करुच्छे आपन को आईसीएस टेस्ट रे मो प्रभात त देखंतु आज रे वीडियो रे हम ओडे मॉक टेस्ट डिस्कशन करिवो जोटा कि रहउ छ आपन को ओडिया ग्रामर रो। आज रे वीडियो रे हम 20 टी क्वेश्चन को डिस्कशन करिवा हला आपन को एग्जाम रे को टाइप रो क्वेश्चन आसे छि जेमति रहले कि आपन को चुर रहले कि जेल वार्डन ने को टाइप रो क्वेश्चन आसे छि ओडिसा कनेक्ट वाला आपन को टाइप रो एग्जाम रे क्वेश्चन आसी पारे ताको मो एनालिसिस करि आपन को पाखा पाखी 20 टी क्वेश्चन प्रोवाइड करू छि। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रही है आपने डिटेल्स बुझे तो आप बहुत ही हेल्पफुल रहा यार पीडीएफ मुझे टेलीग्राम चैनल शेयर कर रखी तो टेलीग्राम चैनल लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे रखी वन्स आपने ये लिंक पर विजिट कर जॉइन करेंगे आम टेलीग्राम चैनल ना डायरेक्ट आपने टेलीग्राम आईसीएस टीप सर्च करूँ तो आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे तो देखो कि आप जो रहा कि काल डेट्रे जेल वार्डन एग्जाम रिजल्ट आसी तो जो थे बहुत पिला मनरे मैंने कन्फ्यूज हो कहीं आंसर किए दि जाए ना ओनली आप मैं रेस्पन्स किए कहीं दि जाए ना से गोटे बड़ डाउट आउ गोटे जिनस ये जगह आम जब कही रखा कि आप गोटे सेट आप गोटे क्वेश्चन भूल थी जोटा कि टेलीग्राम चैनल भी सेयार कर रखी जो मानक 25 तारीख थर्ड सिफ्ट एग्जाम था तो से गोटे क्वेश्चन पूरा भूल मार्क अच्छे आपने कम्प्लेन करेंगे है तो देखो कि डे नक आज फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करवा तो जोटा कि आपंकर जेल वार्डन एग्जाम आसाना किसी क्वेश्चन नहीं आ कि क्वेश्चन मुझे डिजाइन करें सब क्वेश्चन आप जेल वार्डन मुझे उठे ना फास्ट कही रखुचे एक पदर प्रकाश कर जहाँ घटवार संभावना अच्छे तो जहाँ घटवार अच्छे से आज घटन कि जगह क्वेश्चन देखिए जहाँ घटवार संभावना अच्छे तो यार रईट आंसर अप्सन ए हम घटन अप्सन बी घटना अप्सन सी अवश्य सम्भी अप्सन डी हो घटना तो यार राइट आंसर कौन है ऑप्शन सी है जो यार राइट आंसर देखो तो बहुत पिला ऑप्शन ए मध्यम करके आसते हैं बहुत पिला ऑप्शन ए मध्यम करके आसते हैं कारण जोटा घटवार संभावना अच्छी अवश्य संभी ऑप्शन सी है जो यार राइट आंसर जहाँ घटवार अच्छे घटनीय यहाँ मन रखु जहाँ घटवार अच्छे घटनीय जहाँ घटी घटना जहाँ घटी घटना जहाँ घटवार अच्छे घटनीय एवं जहाँ घटवार संभावना अच्छे अवश्य समय है यहाँ हूँ इंपोर्टेंट आपर देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे देखो आम कॉलोनी रे प्रतिदिन संध्या बेले लाइन कटि जाए तो ये जगह आपको कही कि आपंकर प्रकार वाक्य आपंकर देखो वाक्यर प्रकार भेद जब आम डिस्कसन करवा आपंकर सरल वाक्य जटिल वाक्य आपंकर जौगिक वाक्य अच्छे ता पूर्व पुणी जब आम आहुरी डिस्कसन करवा डिफरेन्ट डिफरेन्ट जो रही कि आप विस्मय सूचक वाक्य भाव सूचक ये सब आदेश सूचक आपति सूचक आदेश सूचक प्रश्न सूचक विस्मय सूचक एमती भी आपंकर वाक्यर प्रकार भेद अच्छे कि आम जो वाक्यर प्रकार भेद हिसाब से डिस्कसन करवा सरल वाक्य जटिल वाक्य जौगिक वाक्य हिसाब से डिस्कसन करवा तो ये जगह आपको क्वेश्चन कौन देखिए आम कलोनी में प्रतिदिन संध्या लाइन कटि जाए तो आम सरल वाक्य क्या कह ना जो थी केवल गोटे मात्र कौन थी समापिका क्रिया थी गोटे मात्र समापिका क्रिया थी आम कौन कह सरल वाक्य तो ऑप्शन बी है राइट आंसर तो जौगिक वाक्य आम क्या कह सरल वाक्य जौगिक वाक्य वाक्य हूँ कौन आपंकर ना एक बा एकाधिक सरल वाक्य मिसिक आप कौन कर जौगिक वाक्य तैयारी कर तो जौगिक वाक्यर उदाहरण आम जी दबा जमीक रमेश भल सरी मुझे भूल कह सारा जमीक एग्जाम्पल दे दी कि तुम्हें रुटी खाओ कि भात खाओ सैनिक देश को रक्षा कर मात्र कृषक देश को खाद्य जोगा ये सब रोज कौन आपंकर जौगिक वाक्य जटिल वाक्य आम क्या कह देखो जटिल वाक्य आपंकर गोटे प्रधान वाक्य रही गोटे प्रधान वाक्य रुई रु अधिक एक रु एकाधिक आपंकर अप्रधान वाक्य रेत भी अप्रधान्य वाक्य रहा सी सब प्रधान वाक्य कौन था डिपेडेन्ट था बुझेगा जिनस जमीक कहे जे सत कहे से निर्भर मानने निर्भीक अटे तापर हूँ आप नेक्स्ट कह आम तुम्हें जदि कह तेबे मु तुम सहित जी ये सब हूँ कौन आपंकर ना आपंकर जो रहा कि कौन जटिल वाक्य है देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो निम्नलिखित मध्य शुद्ध शब्द टी चिन्हाओ आपंकर शुद्ध शब्द निम्नलिखित मध्य कौटा रही आपको चिन्हबार अच्छे तो पाषाण ऑप्शन ए हो राइट आंसर तो शुद्ध अशुद्ध शब्द जिते भी रही बारंबार कही रखुचे आपण मैंने गोटे पेन एंड पेपर बाहर करूँ जो क्लास 9-10 जो रहा कि आपंकर ओडिया टेस्ट पेपर हो कि ओडिया बुक हो से आपको पूरा शुद्ध अशुद्ध जितकटा शब्द देखिए पूरा खातार लिखि नियंतु बारंबार लिखि नियंतु जमीक आपंकर पूरा स्ट्रंग हो कि ना मो एग्जाम जति भी शुद्ध अशुद्ध जितेटा भी क्वेश्चन आसो आपको पूरा राइट आंसर ही आसो मे भी आपको दुईटा क्वेश्चन देखा मिल पाए दुईटा आपको जमी राइट आंसर है देखिए कि आपको संधि रिलेटेड है
संधि आपंकर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपंकर संधि रोज कौन स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि सबुठ अधिक आपको कन्फ्यूज करे किए ना आपंकर स्वर संधिटा कन्फ्यूज करे स्वर संधि रूल एंड रेगुलेशन रही है देखते कि यह जगार आपंकर कौन है महर्षि महर्षि संधि विच्छेद कले आप बेले बेले हूँ महाजुक्त ऋषि है तो यहीटा हूँ कौन आप महाजुक्त ऋषि आर संधि विच्छेद रूल कहे महा हा हेले आप कौन हो जगह आ रहा महारे आ रहा ये जगार आप कौन रही रू आसला कौन आसला रू आसला तो सबुबले मन रखिदेवे आ आउ रु मिसिक आपन कोन देबे आ आउ रु मिसिक आपन कर अर देबे सेमती आपन कर अ आउ र मिसिक बे अ आउ रु मिसिक बा र मिसिक बे आपन कोन देबे अर देबे तो ए जो आपन को संधि विच्छेद केमथि हम आपन आउ थरे कहि रखु छी तो महा को में लिखि परिया मह युक्त आ युक्त रु युक्त सी कथा बुझनो म कोन कहली आ आउ रु मिसिक कोन हला आर रहिला अर रहिला आर न अर रहिला तो देखु मुझे पूरा डिटेल संधि कही रखुच्छे आपंकर किसी भी डाउट रही है ये कौन महजुक्त अर्जुक्त तो ये अटा आसी क्या लगे ह से लगे ये रटा जा क्या लगे सरे रफ मान रेफ हिसाब से लगे तो ये आप कौन हो कहतु मह या ह लगला सरे हसार अच्छी रफला जाइए लगेगा सेमती आप देवश्री रण रहा देवश्री रह्मश्री रजश्री र तापर से महा वर्षा ऋतु हूँ वर्षा ऋतु रही है ये सब आप रोचे आ आउ रु आउ अ आउ रु रिलेटेड आप रहा है आपटा हूँ आउरी मानने गोटे कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपर देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखते देखो बहुत बड़ बड़ कथा कहे किंतु काम कम कै निम्नोक्त रूढ़ी मानक मध्यरु क्यों रूढ़ीटी एही भली अर्थ को बुझाऊ तो कथा माने बड़ बड़ कह कम कम कर सी हूँ किए आपर ऑप्शन ए खत उदाहरण पद्म जीवन मूर्छा जोक मुहर लुण आपर कुहामुंडा कपिला तो ऑप्शन डी हो रईट आंसर कुहामुंडा कपिला आपर रईट आंसर बर्तमान देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही है शब्दार्थ रिगार्डिंग क्वेश्चन टा रही है अर्णव अर्णव हूँ देखो आप अर्णव गोस्वामी ही भावे है तो अर्णव हूँ कौन आप अर्णव आप शब्दार्थ हूँ कौन आप समुद्र ये जो रहा कि आपंकर मानने कौन जो आप सिमिलर वार्ड जो रहा आपंकर सिनोनोमी रिलेटेड बा पर्यायवाची शब्द रिलेटेड रहा आपको आप देखिए कारण एथुरी भी आपंकर गोटे दुईटा क्वेश्चन देखा मिले आपते भी पार्टी ओनली सारस्वत को ही फलो करूँ कारण सारस्वत प्रायतः ही आपको कौन देखा मिली डायरेक्ट क्वेश्चन देखा मिली है बर्तमान देखा कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखते विशेषण पदर व्यवहार वाक्य केउठारे करा जाय थाय विशेषण पद हूँ कौन ना जे विशेष पद को विशेषित कला सी हूँ कौन आमर विशेषण पद जोटा कि हम कौन गोटे गुण को बुझौ तो निम्नोक्त मध्य जो क्वेश्चन दे विशेषण पद कौटि व्यवहार कराई तो साधु लोक लोक हूँ जी आम विशेष पद है विशेषण कला किए साधु साधु हूँ कौन आमर ना विशेषण तेल विशेषण सब कौटी लगुच ना आपणकर विशेष पद पूर्व लगुच तो विशेष पद पूर्व ऑप्शन बी हो राइट आंसर है यह जगह देखिए कर्म पूर्व कर्ता पर क्रिया पर बिल्कुल भूल ऑप्शन बी हो राइट आंसर विशेष पूर्व लगे तापर देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे निम्नोक्त मध्यरु निम्न शब्द टीरु प्रकृति प्रत्यय को चिन्ह वैज्ञानिक वैज्ञानिक हूँ कौन विज्ञान युक्त इक विज्ञान युक्त इक तो विज्ञान देखो ये जगार भी आपको टी इम्पोर्टेंट हम हर्षे कि दीर्घ रज्ञान युक्त इक ऑप्शन बी हो ऑप्शन बी हो राइट आंसर वैज्ञानिक है यहाँ आपके इम्पोर्टेंट रही कारण हर्षे कि दीर्घ यहाँ भी आपफ्यूज हो जाए तो सब मन रखिथे ए जगार विज्ञान युक्त कि अ आउ ई मिसिक कौन है आप हर्षे रोचे जदि दीर्घ आस दीर्घकार आसीज तो विज्ञान युक्त एक वैज्ञानिक जोटा कि हूँ ऑप्शन बी हो रहा राइट आंसर तापर देखते कि आपंकर संबंध पद रिलेटेड डिस्कशन करवा संबंध पद रिलेटेड कौन देखु संबंध पदर अवस्थित वाक्य केउठारे हुए तो संबंध पद हूँ कौन देखते वाक्य आपंकर दुईटा विशेष पद थी जमीक एक्जामपल आप विनोदर बापा आसिले विनोदर बापा आसिले तो ये जो विशेष पद गोटे रोच विनोद आ गए विशेष पद हूँ आपंकर बापा तो विशेष विनोद आपा ये दीज को आम कौन कौ परस्पर संबंध पद कौचे तो ये या भितर संबंध पद क्या कहता संबंधित पद क्या कह
ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ହେଉଛି ବିନୋଦ। ବିନୋଦର କାହା ସାଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି ନା ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ବିନୋଦକୁ କହିବା, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ କାହାକୁ କହିବା ବାପାଙ୍କୁ କହିବା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା କି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦର ଅବସ୍ଥିତି କାହା ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ ନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରାକୁ ସରାମଣିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଧରାକୁ ସରାମଣିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ସମଗ୍ର ଧରା ହେଉଛି ସରା ପରିକା ଗୋଲ, ଅତି ଗର୍ଭଭାବ ଦେଖାଇବା, ନିଜର ବଡ଼ିମା ଦେଖାଇବା, ସାରାକୁ ଧରା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ସରାକୁ ଧରା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। ତ ଧରାକୁ ସରାମଣିବା ଅତି ଗର୍ଭଭାବ ଦେଖାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ ଛ ନ ଠ କେଉଁଟି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଥା କହିବା କି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଥା କହିବା, କଚଟ ଦପ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତ ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠ, କଣ୍ଠ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ତାଲବ୍ୟ, ତାଲବ୍ୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ, ତାପରେ ଦନ୍ତ୍ୟ, ତାପରେ ରହିଲା ଓଷ୍ଠ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ଆସିଲା କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, କ ଚ ଟ, ତ ବର୍ଗ, କଣ୍ଠ, ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ, ତା ତଳଟା ରହିଛି ଓଷ୍ଠ୍ୟ, କ ଚ ଟ ତ ପ, ପ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ, ତ ଟ ଠ ଡ, ତ ଠ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ନା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ, କର୍ମ କାରକ, କର୍ତ୍ତା କାରକ। ତ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାରକ ହେଉଛି ନା ଅପାଦାନ କାରକ। ସବୁବେଳେ ଅପାଦାନ କାରକ ମନେ ରଖୁଥିବେ କି ଯେଉଁଟାକି ପୃଥକ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ। ତ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ସେଇଟା ପୃଥକ ହେଇକି ଯାଉଛି ଭାରି, କୂଅରୁ ପାଣି କଢ଼ା ଯାଉଛି ସେଇଟା ପୃଥକ ହେଇକି ଯାଉଛି ଭାରି, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପାଦାନ କାରକ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇଁଷ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଁଷ, ଗୋଟେ ରହୁଛି ବୈଦେଶିକ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ତତ୍ସମ। ତତ୍ସମ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାହା ସହିତ ସମାନ, ତା ସହିତ ସମାନ ମାନେ କାହା ସହିତ ସମାନ, ସଂସ୍କୃତ ସାଥିରେ ସମାନ। ତ ଯେଉଁ ଭାଷା ଡାଇରେକ୍ଟ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ତତ୍ସମ କହୁଛେ। ତଦ୍ଭବ ସଂସ୍କୃତର ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି ବା ଜାତ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ, ତଦ୍ଭବ। ଦେଶଜ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି, ଆଉ ବୈଦେଶିକ ଯେଉଁ ଭାଷା ଆମ ବୈଦେଶ ମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ତ ଯେମିତିକି ଚିନି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଆସିଛି ନା ଚାଇନାରୁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ବେଶୀ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବାର, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି ଚିନି କେଉଁ ଦେଶ ମାନେ ଚିନି ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଦେଶଜ ନା ବୈଦେଶିକ, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଦେଶର ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ତତ୍ସମ ଆଇଁଷର, ଆଇଁଷର ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ସମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମିଷ। ଆମିଷରୁ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଁଷ, ତ ଆଇଁଷ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ତଦ୍ଭବ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ବିଶେଷଣରେ ତରତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗେ। ଏଇ ଟିକେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି, ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ କେଉଁ ବିଶେଷଣରେ ତରତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କର, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ଗୁଣବାଚକ, ବିଧେୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳନାତ୍ମକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଆଉ ଗୁଣବାଚକ ବିଧେୟିତ ହେବନି, ତୁଳନାତ୍ମକ, ବୃହତ୍ତର, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, କ୍ଷୁଦ୍ରତର। ତ ତରତମ କେଉଁଠି ମାନେ ଲାଗେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଛେ, ତ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆମେ କେଉଁଠି ଲାଗୁଛେ, ତୁଳନାତ୍ମକ ଭିତରେ ଲାଗୁଛି ନା। ତ ତୁଳନାତ୍ମକ ହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଛି ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁ ତର ଆଉ ତମ ପ୍ରତି ଏଇଟା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ହିସାବରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ଏବଂ କୋର୍ କନସେପ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ। ତ କାଇଣ୍ଡଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ବହୁବଚନ ପ୍ରୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍, ବହୁବଚନ ପ୍ରୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକ ଗଣ, ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକ ଗଣ ହେବନି। ତ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝି ମାନେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଘର ନଥାଏ ଶ୍ରମିକ ଗଣ ହେବ ନାହିଁ, ଅଧିକାଂଶ ଏ ତ ଅଧିକାଂଶ ରହିଛି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବି ହେବନି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଘର ନଥାଏ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗଙ୍କ ଘର ନଥାଏ, ତ ବର୍ଗ ତ ବିଲକୁଲ ହେବନି, ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଘର ନଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ସମାସ ରିଲେଟେଡ଼, ତ ସମାସ ରିଲେଟେଡ଼ ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।
दुर्भिक्ष क्यों समास दुर्भिक्ष हूँ कौन भिक्षार अभाव दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष हूँ कौ समास अवैभाव समास बहुवी समास जमी रहा कि आप देखु बहुवी समास आम क्या कह नीलकंठ जहार है नीलकंठरे जहार कौन कौन नीलकंठ कहे तो ये जगह ना नीलर उपादान मान प्राधान्य रोचे ना कंठर प्राधान्य रोचे कहार प्राधान्य रोचे आउ जन प्राधान्य रोचे तो जितेबाला आपंकर परपद व पूर्वपदर प्राधान्य न रुहे से मिसिकी गोटे नूतन पद सृष्टि करती नूतन अर्थ प्रकाश करती आम कौन कौचे बहुब्री समास कौचे तापर हूँ आप कर्मधार कर्मधार तो सब देखिए कि गोटे विशेषण रहा गोटे विशेष्य पद रलादान कला लोक ये सब रोच कौन ना कर्मधार द्वंद्व समास हूँ कौन आपंकर देखो द्वंद्व समास हूँ दीटाक मिसिक रही दीज प्राधान्य रुओ झील छात्र छात्री पशुपक्षी ए कौन रोचे उभय प्राधान्य रोचे तो आम कौन कहे द्वंद्व समास कहे तापर देखिए आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखते वृद्ध व्यक्ति रेखांकित पदटी क्यों प्रकार विशेषण तो ये पर्यंत मुझे बोधे कमेंट वर्क किसी देना तो यहीटा हूँ आप गोटे कमेंट वर्क देखो आपको जिते कमेंट वर्क करेंगे आपको मजा लगे आते आप कमेट्रे आंसर जनइबे मत से मजा लगे आपते अधिकारू अधिका कमेंट करेंगे मुझे सब कमेंट को एक्चुअली प्राय पिला कमेंट मुझे पढ़ा ट्राए कैर और समस्त कमेंट पढ़ी थाए किए कौन कमेंट कर तो डेफिनेटली यार आंसर आप कमेंट बक्स जुड़ा राइट आंसर को मो तरफ गोटे सुंदर हार्ट प्रोभाइड कर दिया तो देखो कि ये जगह देखिए वृद्ध व्यक्ति रेखांकित पदटी क्यों प्रकार विशेषण सर्वनाम विशेषण परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण विशेषर विशेषण राइट आंसर कमेंट बक्स जुड़ा आपको मिल जाए मो तरफ गोटे सुंदर तो मशा को धुआं दियो बाक्य मशा को क्यों विभक्ति देखु यहाँ हूँ कौन आपंकर निमित्त अर्थ दाना अर्थे तो पाई निमित्त अर्थ दाना अर्थ हूँ कौ विभक्ति आप चतुर्थी विभक्ति रोचे ऑप्शन ए हो राइट आंसर विभक्ति रिलेटेड ऑलरेडी मुझे डिस्कसन कर सारी बेसी डिस्कसन करूनी तापर देखिए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पशुपक्षी तो ये आम डिटेल डिस्कसन कले पशुपक्षी आपंकर कौ समास कहुत मत आग ना आपंकर द्वंद्व समास गोटे अलुक समास गोटे बेस्ट एग्जांपल आप देखा मिलता है युधिष्ठिर जी युद्ध स्थिर कहे युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर कौ समास ये क्वेश्चन आप बहुत थर देखा मिले कोटा वाले एग्जाम तो से मुझे ये जगह आपको डिस्कसन करपर देखिए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयोजन अर्थर शब्द जगह क्यों विभक्ति हुए तो प्रयोजनार्थक शब्दर जुगरे क्यों विभक्ति हुए ना सब मन रखिए तृतीय विभक्ति हुए ऑप्शन डी है राइट आंसर तो देखते कि आपंकर ये थी ओवरऑल 20 क्वेश्चन आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन पसंद आसो जदि ये 20 क्वेश्चन पसंद आसी वीडियो गोटे लाइक करेंगे सांग मैंने सेयार करेंगे आदि आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद।